बाबूजी रुपया लेगा 10,000 मम्मी के। अच्छा मम्मी से ले गए हैं। हाँ। तो कौन आपसे पैसे कौन ले गया है? ले गए बाबूजी। बाबूजी कौन है? विपिन। अच्छा कितने रुपए ले गए हैं? 10,000। फिर नहीं तो आपको आवास मिला है या नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा आपकी जो बच्ची है कितने परसेंट विकलांग है? वो तो 100% विकलांग है। अच्छा तो आपको आवास मिला है या नहीं मिला? नहीं मिला। क्यों? पता नहीं, आए तो बहुत लोग हैं, देख देख गए, सर्वे कर लेगा, फिर मिला कुछ नहीं है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को ठेंगा दिखाते बाबू नियम विरुद्ध स्वयं गांव में जाकर किया सर्वे, आवास के नाम पर किया सौदा। योगी सरकार द्वारा गरीबों के हित के लिए कई आदेश जारी किए गए हैं, इसमें भ्रष्टाचार पर लगाम हेतु जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने पर जोर दिया जा रहा है, परंतु जिला जालौन के कोच ब्लॉक कार्यालय में पिछले 6 वर्ष से तैनात आवास पटेल बाबू योगी सरकार के आदेशों को धता बता कर काम कर रहे हैं। कोच ब्लॉक के सतोह ग्राम के ग्रामीणों ने बताया है कि बाबू ने स्वयं गांव में आकर सर्वे किया और आवास के नाम पर धन वसूली की। आवास देने के नाम पर 10-10,000 रुपए की वसूली की गई। क्या नाम है आपका? हरिकिशोर पटेल, प्रधान कृषि। किस गांव के? ग्राम सतोह। सरकार की मंशा थी कि अति विकलांगों को आवास मिले, लेकिन हमने ब्लॉक में जाकर देखा तो अति विकलांगों को नहीं मिले, वंचित रह गए और भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ गई पूरी। चिन्हित गाँव में आवास दिए गए अपनी मनमानी तरीके से, उसमें सबसे बड़ा रोल आवास पटेल के बाबू विपिन साय का है, जो यहाँ करीब 10 साल से जमा हो गए और प्रभावशाली बाबू गए, विभाग में उसका अच्छा खासा रुतबा है। अच्छा हाँ, तो आपके यहाँ कितने लोग थे ऐसे विकलांग जिनको आवास नहीं? 5 लोग थे। अच्छा तो फिर इनसे क्या सुविधा शुल्क भी ली गई, आपके पास शिकायत की? नहीं, जिन लोगों ने हमें घर पे आके बताया कि बाबूजी आए और 22 अगस्त को हमसे 10-10,000 रुपये ले गए। इतना ही नहीं, ग्राम के 100% विकलांग जो कि आवास के लिए वास्तविक पात्र थे, उन्हें आवास ही नहीं दिए गए। आवास सटल बाबू की शिकायत उप जिला अधिकारी से भी की जा चुकी है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हरि किशोर पटेल ने भी इस बात की पुष्टि की है। इस संबंध में पत्रकारों ने जब सचिव पूनम राजपूत से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया है। अच्छा, फिर वो एक और है कोई बाबू, विपिन बाबू, वो भी आए, उन्होंने भी देखा और 10,000 रुपए मांगे, तो मेरे पास तो थे नहीं, इधर उधर से करके कुछ दिए पैसे और अब वो आवास नहीं मिल रहा। अच्छा कितने रुपए लिया गया आपसे? 10,000 रुपए। अच्छा 10,000 रुपए दिए। कोच खंड विकास अधिकारी प्रतवा सालिया ने बताया कि सतो ग्राम के सचिव द्वारा सर्वे ही नहीं किया गया, इसलिए उस ग्राम के लोगों के आवास हेतु रजिस्ट्रेशन नहीं किए गए। जब सर्वे सचिव को करना था तो पटेल बाबू द्वारा गांव में जाकर सर्वे क्यों किया गया? खंड विकास अधिकारी प्रतवा सालिया ने बताया कि आज ग्राम सतह की सूची प्राप्त कराई गई है, उन्होंने जाँच कर कार्रवाई और सूची प्राप्त करा दी गई है, यह बात कही है। सवाल यह है आखिर इस कार्य में अभी तक ढिलाई क्यों थी? अब देखना है बाबू पर क्या कार्रवाई होती है, क्या पात्रों को आवास मिल जाएगा या फिर उनसे लिए गए रुपए वापस कर दिए जाएंगे। कौन सी पंचायत की बात हो रही है? ये सतोह गांव का मामला। सतोह का सूची का कोई सत्यापन संबंधित सचिव के द्वारा नहीं लिया गया था, जिसके कारण से लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सका। आज सूची उन्होंने प्राप्त कराई है और अब उनका सत्यापन कराकर रजिस्ट्रेशन करा दिया जाए। नहीं, जो पैसे लेन देन का आरोप लगाए वो क्या कहेंगे आपको? इस समझ में ऐसी कोई भी, सब गलत है,